Hello dear students, welcome again to English class. So in the last video we have started our new story, that is Alice in Wonderland, and today we are going to continue with the rest of the part. So far we have read that one day Alice was enjoying story with her sister. Suddenly she saw a rabbit wearing a coat and a watch, and it was talking. So she found it very strange. So what she did, she followed the rabbit. उसने उस rabbit का पीछा किया. जब वो पीछा करते करते उसके पीछा कर रही थी, तो उसने देखा कि rabbit एक होल में jump कर जाता है. तो Alice भी उसके पीछे पीछे उसमें jump कर जाती है, ये देखने के लिए कि इस होल में क्या है. अब वो जो होल था वो बहुत ही डीप था. वो एलिस उसमें गिरती जाती है, उसे समझ नहीं आता वो कहाँ जा रही है. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस विद एलिस एंड वेयर शी फेल डाउन, वी आर गोइंग टू रीड इट. ओके, सो ओपन पेज नंबर 67 एंड टेक अ पेंसिल फॉर अंडरलाइनिंग न्यू वर्ड्स. ओके, सो स्टूडेंट्स, सेकेंड पैराग्राफ. शी वॉन्डर्ड, विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड. तो उसे बड़ा स्ट्रेंज लग रहा था. वो होल में वो गिरती जा रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था. फिर वो अपने आप से ही कहने लगी, क्या मैं फिसल कर इस धरती के दूसरी तरफ चली जाऊंगी, इस अर्थ के दूसरे साइड गिर जाऊंगी. SLIP, स्लिप का मतलब होता है फिसलना. ओके, थंप, एलिस लैंडेड ऑन द पाइल ऑफ ड्राई लीव्स. थंप इज अ साउंड प्रोड्यूस व्हेन शी फॉल ऑन द ड्राई लीव्स. जब ये बहुत पाइल ऑफ ड्राई लीव्स का मतलब होता है जहाँ बहुत सारे सूखे पत्ते इकट्ठे किए गए हों, तो ये उन पे जाकर गिरी और ज़ोर से आवाज़ आई, थम. शी लुक्ड अराउंड क्विकली एंड सडनली सॉ द वाइट रैबिट अगेन. उसने यहाँ वहाँ देखा कि वो कहाँ गिरी है, तभी अचानक उसने एक उस वाइट रैबिट को दोबारा देख लिया. It disappeared saying, oh my ears and whiskers, how late it's getting. So वो जो rabbit है, it disappeared का मतलब होता है गायब हो जाना. तो rabbit ये कहते हुए गायब हो गया. oh my ears and whiskers, whiskers means जो मूछें होती हैं rabbit की, उसे whiskers कहा जाता है. okay, so he said, how late it's getting. देखो मुझे बहुत late हो रही है, और वो वहाँ से ये कहते हुए गायब हो गया. Alice stood up and saw a small door about 15 inches high. Alice खड़ी हुई और वहाँ पर उसने 15 इंच हाई का एक डोर देखा. It was too small for her to go through. और वो डोर बहुत ही छोटा सा था, वो उसमें से नहीं निकल के जा सकती थी, वो उसको पार नहीं कर सकती थी. ओके, She saw a glass table with a golden, next page, key on it. सो वॉट शी सॉ अ ग्लास टेबल. उसने एक ग्लास की बनी हुई टेबल देखी और उसके ऊपर एक की थी विथ अ गोल्डन की. और जो की थी वो की कैसी थी, इट वॉज गोल्डन, गोल्ड की बनी थी. शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड. शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की. उसने क्या किया, वो जो छोटी सी चाबी थी गोल्ड की, उसने लॉक ट्राई किया डालकर कि ये खुलता है कि नहीं गेट. और एंड टू हर डिलाइट मतलब वो बहुत खुश हो गई. इट फिटेड मतलब उसने देखा कि वो जो चाबी है उस लॉक में लग गई थी. एलिस ओपन द डोर एंड लुक्ड इनटू द लवलीस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन. और जैसे ही उसने उस गेट को खोला, वो कहाँ जा पहुँची, एक बहुत ही सुंदर और प्यारे से गार्डन में. ऐसा गार्डन तो उसने पहले कभी देखा ही नहीं. हाउ शी लॉन्ग टू बी अमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन्स. हाउ शी लॉन्ग टू बी अमंग मतलब वो हमेशा से विश करती थी कि वो बहुत ही सुंदर गार्डन देखे, ब्राइट फ्लावर्स देखे और फाउंटेन्स देखे. तो वहाँ उस गार्डन में बहुत ही कलरफुल और प्यारे प्यारे फूल थे और फाउंटेन वहाँ पर था. ओके, बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे. लेकिन वो उस गेट में से अपना सर भी नहीं निकाल पाती थी, पा सकती थी, क्योंकि वो जो गेट था वो बहुत ही छोटा सा था. तो उसने जब गेट खोला गोल्डन की से, तो वो वहाँ उस पार देख तो पा रही थी, लेकिन वो वहाँ से उसके अंदर नहीं जा पा
नहीं जा सकती थी क्योंकि वो डोर बहुत ही छोटा सा था। ओह हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, शी एक्सक्लेम लाउडली। और फिर वो ज़ोर से बोली चिल्लाकर कि काश मैं बहुत छोटी होती ताकि मैं उस गार्डन को एंजॉय कर सकती, अंदर जाके उसे देख सकती। ओ हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, काश मैं फिर से एक छोटी सी हो जाऊं और इस गार्डन को अंदर जाके देख पाऊं, उन प्यारे फ्लावर्स को महसूस कर पाऊं और उन फाउंटेन्स के साथ खेल पाऊं। सो दैट वाज द स्टोरी स्टूडेंट्स। सो एज यू नो दैट दिस स्टोरी इज अडेप्टेड फ्रॉम द बुक एलिस इन वंडरलैंड। इसमें आगे क्या होता है वो तो आपको बुक में ही पढ़ के पता चलेगा। ओके सो अब यहाँ ये स्टोरी ख़त्म होती है। लेट्स वंस रिवाइज, एक बार और हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। ओके सो व्हाट हैपेंड वन डे, एक दिन एलिस एक पेड़ के नीचे अपनी सिस्टर के साथ स्टोरी एंजॉय कर रही थी। उसकी जो सिस्टर है वो स्टोरी रीड कर रही थी। तभी क्या हुआ कि वहाँ से एक वाइट कलर का रैबिट गुजरा, बहुत ही जल्दी में था। उस रैबिट ने वॉच पहन रखी थी और कोट भी पहन रखा था, वेस्ट कोट पहन रखा था। तो एलिस को ये बहुत ही अजीब लगा, स्ट्रेंज लगा। वो जो था वो टॉकिंग रैबिट था। एलिस ने उसे फॉलो किया, उसका पीछा किया। जब वो उसका पीछा कर रही थी तो उसने देखा कि द रैबिट जम्प्ड इनटू अ होल। सो शी आल्सो जम्प्ड इनटू द होल। नाउ व्हेन शी जम्प्ड शी कुडंट अंडरस्टैंड कि वेयर शी वाज गोइंग। उसे पता नहीं चला कि वो कहाँ जा रही है क्योंकि जो होल था वो बहुत ही डीप था, बहुत ही गहरा था। वो जाती जा रही थी उसका एंड ही नहीं हो पा रहा था। जब वो नीचे की ओर जा रही थी तो उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसने खुद से कहा कि कहीं मैं इस धरती के दूसरी तरफ तो नहीं चली जाऊंगी। तभी वो वहाँ पर नीचे जाके शी फेल ऑन द पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, वो सूखे पत्तों पर जाकर गिर गई। जब उसने यहाँ वहाँ देखा तो उसे एक छोटा सा डोर दिखा विच वॉज अबाउट 15 inches हाई। सो एंड देन शी सॉ अ ग्लास टेबल, तब उसने एक ग्लास की टेबल देखी जिसके ऊपर एक की थी एंड द की वॉज गोल्डन की। ओके नाउ शी टुक द की एंड शी पुट इट इन टू द लॉक, उसने चाबी ली और उसे लॉक में डाला। जैसे ही उसने लॉक में डाला वो की तो फिट हो गई और वो गेट खुल गया। अब उसने क्या देखा, उस गेट के उस पार बहुत सुंदर ही गार्डन है। गार्डन में बहुत ही कलरफुल फ्लावर्स हैं, फाउंटेन्स हैं जिसे वो एंजॉय करना चाहती थी। इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन, उसे बहुत ही अच्छा लगा और उसने ऐसा गार्डन कभी और कहीं नहीं देखा था। ओके नाउ व्हाट हैपेंड शी विश, अब वो विश करती है कि काश वो एकदम छोटी सी हो जाए और इस गेट से उस पार चली जाए और उस गार्डन को एंजॉय कर सके, पास में जाके उन फ्लावर्स के साथ में खेल सके। ओके सो दिस इज़ द स्टोरी। नाउ स्टूडेंट्स देर आर सम न्यू वर्ड्स, वर्ड्स लाइक स्कैम्पर, हरेड, पॉप्ड, डिसअपीयर्ड, विस्कर्स। स्कैम्पर का मैंने बोला था ना कि तुरंत बहुत जल्दी में होना या जल्दी से भाग जाना, निकल जाना वहाँ से। हरेड का मतलब होता है जल्दबाजी, पॉप्ड का मतलब होता है झांकना। ओके एंड डिसअपीयर्ड का मतलब होता है इट मीन्स गायब हो जाना, एंड विस्कर्स मीन्स जो मूछें होती हैं रैबिट की उसे विस्कर्स कहते हैं। ओके सो दीज आर द न्यू वर्ड्स, लर्न दैम, लर्न द स्पेलिंग्स। ओके एंड इफ यू हैव एनी डाउट वेर एवर यू हैव नॉट अंडरस्टूड यू कैन मैसेज मी और कॉल मी, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। ओके क्लियर, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन आंसर्स। टिल देन रीड द चैप्टर, और कभी भी चैप्टर जो है आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा। ओके रीड इट एटलीस्ट 2 times। ओके इट विल इम्प्रूव योर रीडिंग ऑल्सो एंड यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द चैप्टर ऑल्सो। क्लियर स्टूडेंट्स, सो टिल द नेक्स्ट वीडियो यू एन्जॉय द रीडिंग एंड एन्जॉय द चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।